कश्यप शर्मा और आप मेरे साथ हैं हिस्ट्री फॉक्स चैनल पे। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे, दैट इज गुलाब सिंह। गुलाब सिंह जो है ही वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ डोगरा इन जम्मू एंड कश्मीर। ही वॉज अ फाउंडर ऑफ डोगरा रूल। गुलाब सिंह का जो टाइम पीरियड है दैट इज बींग अ रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दैट इज 1846 से 56। So we'll discuss, and I deliberately named this chapter as the rise of Gulab Singh and his time. Okay, so let us start. So सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे हम discuss करेंगे, that is what was the situation of Jammu and Kashmir during the time period of Gulab Singh. Gulab Singh के time period में Jammu Kashmir की क्या situation है. Okay, जैसे last classes में हमने discuss किया था, that is in Jammu and Kashmir, that is there is a separate history of Jammu and there is a separate history of Kashmir. तो Jammu and Kashmir की जो history जो है, दोनों area की जो history है वो मर्ज होती है, दैट इज 1846 में, जब यहाँ पे डोगरा रूल इस्टेब्लिश होता था। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है। ओके, सो जम्मू जो है एंड कश्मीर जो है, दैट वाज कंकर्ड सेपरेटली बाय द सिक्स। ओके, कश्मीर वाज कंकर्ड इन 1819, ये हमने डिस्कस किया हुआ है, एज द कश्मीर अंडर द सिक्स। ओके, सो आज हम विल और जम्मू की हिस्ट्री जो है वो भी हमने डिस्कस की हुई है, दैट इज द देव डायनेस्टी एंड द डिफरेंट पार्ट ऑफ जम्मू रूलर्स। ओके, सो जम्मू जो है, सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे दैट इज कंक्वेस्ट ऑफ जम्मू बाय द सिक्स। ओके, बाय द सिक्स आर द कंक्वेस्ट ऑफ जम्मू बाय द रंजीत सिंह। ओके, सो उसके बाद ड्यूरिंग दिस कंक्वेस्ट जो है, ये कंक्वेस्ट हुई आपकी 1808 और 1809 में। इस कंक्वेस्ट के दौरान जो है गुलाब सिंह केम इनटू फ्रेम। ओके, सो गुलाब सिंह जो है वो क्या आया, पिक्चर में आया, क्योंकि 1808 में जब बैटल हुई, देर वॉज वन रूलर ऑफ जम्मू, दैट वॉज जीत सिंह। जीत सिंह जो है ही बिलोंग टू देव डायनेस्टी, सो जीत सिंह वॉज नॉट सो पॉपुलर रूलर, ही वॉज नॉट सो पावरफुल रूलर। ओके, सो ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड जो है वो गुलाब सिंह जो है ही केम इनटू फ्रेम। ओके, सो उसके बाद सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे दैट कंक्वेस्ट जम्मू बाय सिक्स, उसके बाद डिस्कस करेंगे हम दैट इज गुलाब सिंह, इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे दैट इज राइज ऑफ गुलाब सिंह इन लाहौर दरबार। सो लाहौर दरबार में जो है हम गुलाब सिंह का क्या डिस्कस करेंगे, राइज डिस्कस करेंगे, मतलब हाउ गुलाब सिंह केम अंडर रंजीत सिंह एंड व्हाट वाज हिज कंट्रीब्यूशन। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे दैट इज सिचुएशन ऑफ पंजाब आफ्टर द डेथ ऑफ रंजीत सिंह। देन वी विल डिस्कस दैट इज द रोल ऑफ गुलाब सिंह इन द फर्स्ट एंग्लो, यू कैन से दैट एंग्लो सिख वॉर। ओके, सो लेट अस प्रोसीड। देर आर टोटल जो है 10 से 11 पॉइंट जो है इस लेक्चर के हैं। ओके, सो दिस इज, यू कैन से दैट दिस इज द फ्रेमवर्क। सो रंजीत सिंह ऑक्यूपेशन ऑफ जम्मू, तो रंजीत सिंह की ऑक्यूपेशन जम्मू की जो है 1808 में हुई। उसके बाद गुलाब सिंह का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, देन द गुलाब सिंह एंड हिज राइज इन लाहौर दरबार। लाहौर दरबार का मतलब है दैट इज सिख एम्पायर आर विद रंजीत सिंह। देन कॉरोनेशन ऑफ गुलाब सिंह एट जिया पोथा भी बोलते हैं, जिया पोथा भी बोलते हैं। ओके, 1822 में जो है गुलाब सिंह को जो है जम्मू का राजा बनाया गया। ओके, सो नॉट महाराजा बट राजा ऑफ जम्मू। देन द पॉलिटिकल एक्सपेंशन ऑफ गुलाब सिंह आर राइज ऑफ गुलाब सिंह एट लाहौर दरबार। देन गुलाब सिंह इन कश्मीर, गुलाब सिंह का कश्मीर में क्या रूल रहा। ओके, देन द पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर द डेथ ऑफ रंजीत सिंह, दैट इज 1839 में। देन उसके बाद फर्स्ट एंग्लो सिख वार होती है 1845-46 में, उसमें गुलाब सिंह का रोल कैसा रहा। देन देयर वाज अ ट्रीटी ऑफ अमृतसर, दैट इज 1846, एंड द महाराजा जो है गुलाब सिंह को बनाया जाता है। सो ही बिकम महाराजा इन 1846 एंड ही बिकम राजा इन 1822। सो आफ्टर 24 इयर्स ही बिकम द फुल फ्लेज महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देन द रिफॉर्म्स ऑफ गुलाब सिंह, गुलाब सिंह के रिफॉर्म जो है, गुलाब सिंह की जो टाइम पीरियड है, रूल जो है वो 46 से लेके 56 रहा। ओके, सो ये 10 साल में गुलाब सिंह ने क्या किया, एंड द फाइनल एस्टिमेट ऑफ गुलाब सिंह। ओके, सो गुलाब सिंह का एस्टिमेट जो है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट, दैट इज द रंजीत सिंह ऑक्यूपेशन ऑफ जम्मू। ओके, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो राजा जीत सिंह जो है, ही वॉज अ सिंपल माइंडेड रॉ यूथ, वॉज द रूलर ऑफ जम्मू। सो राजा जीत सिंह जो है ये जम्मू के रूलर थे 1808 में। ओके, राजा जी सिंह जो है वो देव डायनेस्टी से ही बिलोंग करते हैं। देव डायनेस्टी के दो हमने प्रोमिनेंट रूलर डिस्कस किए थे, दैट इज मल देव
ओके मालदेव दैट इज एंड द रंजीत देव. ओके सो व्हेन रंजीत सिंह इन्वेडेड, राजा जीत सिंह वॉज द रूलर. ऑन अकाउंट ऑफ हिज स्लूथ एंड अनइनिशिएटिवनेस ऑल द चीफ्स बिकम हेड स्ट्रॉन्ग. सो राजा जीत सिंह वॉज नॉट सो पावरफुल. दिस इंटरनल लॉलेसनेस एंड वीकनेसेस इन्वाइटेड रंजीत सिंह फॉर द इंक्रोचमेंट ऑफ द डोगरा टेरिटरी एंड फाइनली द सिख आर्मी अंडर द कमांड ऑफ सरदार हुकम सिंह चिमनी. सो सरदार हुकम सिंह चिमनी जो है ही इज वेरी वेरी पॉपुलर एंड ही इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव. ओके सो ही इन्वेडेड जम्मू इन 1808 एंड जीत सिंह सरेंडर्ड विदाउट एनी टफ फाइट. सो दिस क्रिएटेड प्रॉब्लम्स. दिस एक्ट ऑफ राजा वॉज नॉट अप्रूव्ड बाय मिया मोटा. सो मिया मोटा जो है राजा जीत सिंह की फैमिली से ही था. ही वॉज वेरी पॉपुलर, ही वॉज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी मैच्योर एंड वेरी डिप्लोमेटिक एंड ही रिफ्यूज टू कॉम्प्लाई. यू कैन से दैट राजा जीत सिंह द इन्वेडर्स वर एबल टू क्रॉस द तवी एंड ऑलमोस्ट रीच द गुम्मा गेट. सो देर इज इन जम्मू दोज हू बिलोंग टू जम्मू सिटी दे नो अबाउट द गुम्मट गेट. ओके सो गुम्मट गेट में पहुंच गया. ओके सो मिया मोटा रीच रिएक्टेड टू द सिचुएशन प्रॉम्प्टली. ही हेल्ड कंसल्टेशन विद रानी बंद्राली. रानी बंद्राली जो है शी वॉज द वाइफ ऑफ राजा जीत सिंह एंड ऑर्गेनाइज्ड अ स्टिफ रेजिस्टेंस इन विच मैनी पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स. ओके एंड ड्यूरिंग दिस बैटल ऑफ गुम्मट जो 1808 में हुई, गुलाब सिंह एंड ध्यान सिंह टुगेदर विद देयर फादर किशोर सिंह दे ऑल्सो फॉट. ओके सो ये जो बैटल ऑफ गुम्मट जो है, बैटल ऑफ गुम्मट में जो है ऑल दोस डोगरास वर डिफीटेड, लेकिन यहाँ पे जो है गुलाब सिंह, उसके फादर किशोर सिंह, उसका भाई ध्यान सिंह एंड द वन मोर पर्सन दैट वाज मियां डीडो. मियां डीडो का अलग से हम करेंगे. ओके सो दे हैड शोन देयर करेज एंड दे हैड शोन देयर मिलिट्री स्किल्स. ओके सो जम्मू पास्ड अंडर द कंट्रोल ऑफ राजा रणजीत सिंह ऑफिस. लेटर ऑन मियां मोटा केम इन टू टर्म्स विद लाहौर दरबार. फर्दर 6 साल्सो कनकट चिनाब वैली अखनूर देवा बटाला द चिब एंड बाओ टेरिटरीज. रणजीत सिंह इन्फ्लुएंस आल्सो एक्सटेंडेड टू द सदर्न मोस्ट बेल्ट ऑफ डोगरा प्रिंसिपैलिटीज फ्रॉम जसरोटा टू बसोली एंड अखनूर टू देवा बटाला. ऑल दिस एरिया एक्सेप्टेड द सिख लॉर्डशिप बाय द एंड ऑफ 1810. ओके सो दीज वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सरदार हुकम सिंह चिमनी इज इंपॉर्टेंट, गुम्मट गेट बैटल ऑफ गुम्मट गेट इज इंपॉर्टेंट, रानी बंद्राली इज इंपॉर्टेंट, मिया मोटा इज इंपॉर्टेंट एंड 1808 जो है इट इज इंपॉर्टेंट. ओके सो फाइनली जीत सिंह वॉज डिपोज इन 1816 एंड जम्मू स्टेट बिकम जो है फाइनली इट वॉज एनेक्स्ड बाय लाहौर दरबार. ओवरऑल जो है फाइनली जो है 1808 में जो है वो अटैक हुआ और 1816 में आके जो है पूरा जो है आपका जो डोगरा रूल जो है आर यू कैन से द देव डायनेस्टी केम टू एन एंड. ओके एंड द फर्स्ट गवर्नर दैट वाज अपॉइंटेड बाय रणजीत सिंह वाज हिज सन दैट इज खड़क सिंह. ओके सो द न्यू एरियाज अखनूर बिम्बर वर आल्सो कंकर्ड. द डोगरा कोर्ट वॉज डिवाइडेड टू फैक्शन दैट इज मिया मोटा एंड राजा जीत सिंह ऑन वन साइड, रानी एंड अदर एडवाइजर ऑन द अदर साइड. ओके सो ओवरऑल कहने का ये मतलब है देर वर सेवरल फैक्टर्स वाई द देव डायनेस्टी वर डिफीटेड. देर आर सेवरल फैक्टर्स दैट वॉज इंटरनल वीकनेसेस जो है दैट वॉज अनदर रीजन. सिक्स वर मोर ऑर्गेनाइज, सिक्स वर वेरी एम्बिशियस. ओके सो मिया मोटा जो है, मिया मोटा जो है ही बिलोंग टू देव डायनेस्टी, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. सो दैट वॉज द पोलिटिकल कंक्वेस्ट ऑफ जम्मू बाय रंजीत सिंह दैट वॉज इन 1808. 1808 में जो है दैट इज सुकमा सिंह चिमनी के अंडर हुआ. ओके सो अभी तक हमने क्या किया, दैट वॉज कंक्वेस्ट ऑफ जम्मू बाय रंजीत सिंह दैट वॉज 1808, दैट वॉज हुकम, दैट इज हुकम सिंह चिमनी. ओके सो हुकम सिंह चिमनी के अंडर जो है कंक्वेस्ट को किया गया. राजा जीत सिंह जो है ही वॉज द रूलर ऑफ जम्मू. ओके एंड मिया मोटा जो है अनदर इम्पॉर्टेंट नोबल. हिज वाइफ जो है जीत सिंह की वाइफ थी रानी बंद्राली. सो देर वॉज इंटरनल टेंशन, इंटरनल वीकनेसेस वॉज देयर एंड फाइनली इट वॉज कनकट एंड खड़क सिंह जो है ही वॉज अपॉइंटेड एज अ फर्स्ट गवर्नर. ओके सो दिस इज नाउ लेट अस डिस्कस हाउ गुलाब सिंह केम इन टू, गुलाब सिंह का कैसे राइज हुआ अभी हम डिस्कस करेंगे. ओके सो गुलाब सिंह जो है इट इज इंट्रोडक्शन पार्ट. सो दिस इज अ जीनोलॉजी दैट इज ध्रुव देव. ध्रुव देव है रंजीत देव की जो एक डायनेस्टी चलती है. ओके तो रंजीत ध्रुव देव के 3 4 बेटे थे, रंजीत देव, बलवंत सिंह, सूरज सिंह, गंसार सिंह. यहाँ पे जीत सिंह है. ओके सो जीत सिंह जो है रंजीत देव सिंह की ही फैमिली से है एंड देर इज अ मियाँ
मोटा, यू कैन से दैट. सो जीत सिंह का जो है दैट वॉज ग्रैंड फादर, ही वॉज वेरी वेरी पॉपुलर. ओके एंड मिया मोटा, जोरावर सिंह, देवर ब्रदर्स, एंड उनका बेटा जोरावर सिंह का जो बेटा जो है वो था किशोर सिंह, और किशोर सिंह का आगे बेटा जो है वो था दैट वॉज गुलाब सिंह. ओके सो गुलाब सिंह के दो भाई और थे, दैट इज ध्यान सिंह एंड दैट इज सुचेत सिंह. ओके इनकी डेथ हो गई थी जल्दी. ओके सो दिस इज वी वर डिस्कसिंग अबाउट द डोगरा इंट्रो, हुम द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जम्मू वॉज इंटरेस्टेड, और नोन एज डोगरा राजास आर डोगरा ब्रदर्स. दे बिलोंग टू द जूनियर ब्रांच ऑफ रूलिंग फैमिली ऑफ जम्मू एंड दे वर द डिसेंडेंट ऑफ राजा ध्रुव देव विद इमीजिएट सक्सेसर. द फेमस रणजीत देव हु डाइड इन 1872 हैड थ्री ब्रदर्स, दैट इज गंसार देव, सूरत देव, सूरत सिंह एंड बलवंत सिंह. ओके सो लेट अस नाउ सी दिस इज. ओके सो राजा रणजीत देव, यू कैन से दैट बलवंत सिंह, सूरत सिंह, गंसार सिंह. सो वाई देवर नोन एज जूनियर ब्रांच, बिकॉज ये रंजीत देव के सक्सेसर नहीं थे, देवर यू कैन सी दैट केम फ्रॉम सूरत सिंह फैमिली. ओके सो गुलाब सिंह, सो दिस इज सूरत सिंह फैमिली. सूरत सिंह फैमिली के जो है दैट वॉज जोरावर सिंह वॉज देयर. जोरावर सिंह का बेटा किशोर सिंह था, और किशोर सिंह का आगे बेटा गुलाब सिंह था, ध्यान सिंह था एंड सुचेत सिंह था. सो हु वॉज द फादर ऑफ किशोर सिंह, दैट वॉज सॉरी फादर ऑफ किशोर सिंह इज जोरावर सिंह, और जोरावर सिंह जो है दैट इज सूरत सिंह, और सूरज सिंह जो है वो आगे आपका आ गया दैट वाज ध्रुव देव. ओके सो मिया मोटा जो है ही वाज आल्सो पॉपुलर रूलर और पॉपुलर पर्सन. ओके हु वाज ब्रदर. ओके सो 1 मिनट, 1 मिनट. ओके सो गुलाब सिंह का जो डेट ऑफ बर्थ जो है दैट इज डेट ऑफ बर्थ है गुलाब सिंह का दैट वाज 21 अक्टूबर 1792. ही हैड हिज ब्रदर ध्यान सिंह लिव्ड इन जम्मू विद मिया मोटा हु वाज द मिनिस्टर ऑफ प्रिंसिपैलिटी रूल्ड बाय राजा जीत सिंह. हिज फादर किशोर सिंह एंड यंगर ब्रदर सुचेत सिंह वर रिसाइडेड एस इस्माइलपुर दियोली, अ विलेज 7 कोस फ्रॉम जम्मू ऑन द रोड ऑफ लाहौर. ओके देयर ग्रैंड फादर दैट इज जोरावर सिंह वॉज ऑल्सो अलाइव. द फैमिली हैड इनहेरिटेड अ वेरी स्मॉल जागीर एट इस्माइलपुर, दयावन एंड पुरमंडल, बट द प्रोडक्शन आर यील्ड ऑफ दीज जागीर्स वर क्वाइट हम्बल, एंड फैमिली की जो है वो हालत जो है वो काफी ज्यादा खराब हो गई थी, गरीब हो गए थे. ओके एंड दे वर लुकिंग लाइक अ कॉमन पीजेंट्री. ओके दस द फैमिली टू विच द डोगरा ब्रदर्स बिलोंग वर वेरी वेल नोन इन देयर लैंड एंड नो वेयर ऑफ ऑब्सकेयर ओरिजन. ओके सो गुलाब सिंह जो है ही बिलोंग टू द रॉयल फैमिली. ओके बट दैट टाइम सो पुअर एज टू हैव सर्व्ड महाराजा इरेगुलर कैवलरी में महा करते थे. सो गुलाब सिंह और उसकी फैमिली जो है जीत सिंह की फैमिली, जीत सिंह की आर्मी जो है इरेगुलर आर्मी का पार्ट थे. ओके सो इट वॉज फाइनली गुलाब सिंह हु बिकम द फर्स्ट ऑफ दैट फैमिली टू एंटर द रणजीत सिंह सर्विस. रणजीत सिंह की सर्विस में जो है ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जो एंटर किया गया. ओके सो दिस इज गुलाब सिंह. ये गुलाब सिंह है के बारे में हम और इंफॉर्मेशन करेंगे. सो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सोर्सेज ही स्टार्टेड हिज कैरियर एज अ हॉर्समैन इन रणजीत सिंह इरेगुलर कैवेलरी फ्रॉम द किंग्स ट्रूपर टू किंगशिप. इट सेल्फ वॉज अ लॉन्ग वे ट्रेवर्स्ड बाई हिम ऑन द रोड ऑफ ग्रेटनेस विच वर वेरी फ्यू ग्रेट मैन इन हिस्ट्री वर फॉर्चुनेट इनफ टू ट्रेवर्स. सो गुलाब सिंह का जो राइज जो है वो एक बड़ा ही मेटियोरिक राइज है. गुलाब सिंह का जो राइज जो है इट वॉज अ काइंड ऑफ अ ड्रीम. ही स्टार्टेड हिज कैरियर इन 1808, देन 1822 में ही बिकम राजा एंड 1846 में ही बिकम महाराजा. ओके सो अकॉर्डिंग टू खालसा दरबार रिकॉर्ड दैट इज पंजाब हिस्ट्री, ही एंड हिज ब्रदर ध्यान सिंह वर रिक्रूटेड ₹3 पर डे. दस गुलाब सिंह एंटर रणजीत सिंह आर्मी एज अ ट्रूपर. ओके सो एक जर्नली जो है एज अ गुड सवार जो है गुलाब सिंह की जो है वो एंट्री होती है. सो मोस्ट प्रोबेबली गुलाब सिंह वॉज समन टू लाहौर दरबार इन 1810. लेटर ऑन हिज ब्रदर ध्यान सिंह एंड फादर किशोर सिंह ऑल्सो ज्वाइन द लाहौर दरबार. आफ्टर एंटरिंग रणजीत सिंह सर्विस डोगरा सून अट्रैक्टेड हिज नोटिस बिकॉज ऑफ देयर वैलर, एलेक्रिटी, एसिडिटी एंड ग्रेसफुल बियरिंग. ओके एसिडिटी, ओके ग्रेसफुलनेस, एंड ऑफकोर्स दे वर वेरी क्लियर, दे वर वेरी ब्रेव. सो जिसकी वजह से जो है डोगरास का राइज हुआ दैट वॉज इन लाहौर दरबार. ओके सो दे गे प्रूफ ऑफ दिस क्वालिटीज इन द बैटल ऑफ छछ हजारा हजारू, इन विच द अफगान्स After some initial success, suffered crushing defeat. This battle was fought in 1813. Gulab Singh and his father Kishore Singh
were also among the six fighters led by Diwan Hokam Singh Chimni. So that was how the Gulab Singh jo hai came into good books of the Ranji Singh. This is how the rise of Gulab Singh jo hai wo uska start hua. Okay. Now in 1817 Gulab Singh was given the Riyasi Jagir where he raised a mud fort known as Bhimgarh Fort. तो आज की डेट में भी रियासी में एक बड़ा पॉपुलर फोर्ट है, दैट इज भीमगढ़ फोर्ट, जो किसने बनाया था? गुलाब सिंह ने बनाया था. ही आल्सो सप्रेस द रिवान सिंह. ही वॉन द एप्रिसिएशन ऑफ हिज मास्टर दैट इज रणजीत सिंह एज अ पॉलिश्ड कोर्टियर एंड रिसोर्सफुल मैनेजर ऑफ महाराजा. विद द रिकमेंडेशन ऑफ मिसर दीवान चंद ही वॉज गिवन द पोस्ट ऑफ दैट इज चैमरलेन और दियोदी. ओके, सो रॉयल पैलेस का इंचार्ज बना दिया गया. ओके, सो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था. इन 1819 सिख फोर्सेस अंडर द कंक्वेस्ट ऑफ सेंट फॉर द कंक्वेस्ट ऑफ कश्मीर अंडर मिसर दीवान चंद. गुलाब सिंह आल्सो अकंपनीड द हेड ऑफ हिज ओन फोर्स ऑन द वे. राजौरी वॉज ऑक्युपाइड इन द एक्सपीडिशन. गुलाब सिंह टुक प्रोमिनेंट पार्ट एंड रणजीत सिंह ऑक्युपाइड कश्मीर फाइनली इन जुलाई 1819. ओके, इन नवंबर 1920 जागीर ऑफ किश्तवाड़ वाज बेस्टोड अपॉन गुलाब सिंह बाय महाराजा रणजीत सिंह. गुलाब सिंह आल्सो प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन कैंपेन अगेंस्ट द ट्राइब्स ऑफ यूसुफजई ट्राइब्स व्हिच एनेबल्ड रणजीत सिंह टू एक्वायर पेशावर. सो देर वॉज राइज ऑफ गुलाब सिंह जो है, उसने रियासी को कनकर किया, उसका भाई जो है उसका राइज हो जाता है, फादर का राइज होता है, देन दैट इज द कन्क्वेस्ट ऑफ कश्मीर वॉज देयर, देन राजौरी वॉज देयर, देन किश्तवाड़ ऑल्सो क्रिएटेड प्रॉब्लम. ओके, सो किश्तवाड़ की जागीर दी गई थी, बाद में उसने किश्तवाड़ को कनकर किया था. ओके, सो इसमें दो हम डिटेल में करेंगे. कन्क्वेस्ट ऑफ किश्तवाड़, द डायरेक्ट रूल ऑफ जम्मू ओवर किश्तवाड़ केम टू एन एंड विद द डेथ ऑफ रणजीत देव. ओके, रणजीत देव की डेथ हुई थी 1782 में. ओके, राजा तेग सिंह वॉज द लास्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ किश्तवाड़. इन 1821 गुलाब सिंह पर्सनली लेड हिज आर्मी फॉर द कन्क्वेस्ट ऑफ किश्तवाड़. इन 1822 ही अपॉइंटेड जोरावर सिंह and the, as a governor of Kishtwar and exalted him the title of Wazir. The conquest of Kishtwar further opened the gateway of inner Himalayas which also followed soon. It was through Kishtwar that it he advanced towards Ladakh, Baltistan, Tibet and made history in the annals of the warfare. So conquest of Kishtwar is very very important. So this is the Gulab Singh rise in Lahore Darbar. So Riyasi, Rajori, Bhimber, Kishtwar. Okay, then there is another very important person, that is Mia Dido. Mia Dido jo hai wo Gulab Singh ka कजिन था. ओके, सो कजिन ब्रदर था. मिया डीडो जो है ही आल्सो पार्टिसिपेटेड इन 1808 की बैटल में पार्टिसिपेट किया था. लेकिन मिया डीडो को जो है रॉबिन हुड बोला जाता है. ओके, व्हाई? बिकॉज मिया डीडो जो है ही टोटली रिफ्यूज टू जॉइन द सिख आर्मीज. सो मिया डीडो हैड अ डिफरेंसेस विद गुलाब सिंह vis-a-vis to the English, vis-a-vis to six states. Okay, Gulab Singh played an important role in the extermination of Mia Dido. So Mia Dido jo hai, he became a big terror for the Sikhs. Okay, Mia Dido who embodied the spirit of Dogra's resistance to the Sikh dominance, he could never rise above his predatory habits. Okay, so lekin Mia Dido ki thodi si approach jo hai, वो थोड़ी सी गलत थी, क्योंकि ये उस टाइम पीरियड में चल नहीं पाई, जिसकी वजह से जो है मियां डीडो जो है ही बिकेम अ प्रॉब्लम. एंड फाइनली रणजीत सिंह डिप्यूटेड गुलाब सिंह, एंड इट वाज गुलाब सिंह इन ऑर्डर टू शो हिज लॉयल्टी टुवर्ड्स द राहुल दरबार. वट ही डिड? ही किल्ड मियां डीडो. फाइनली इट वॉज अंडर द कमांड ऑफ गुलाब सिंह मियां डीडो वॉज किल्ड आर एक्सटर्मिनेटेड. गुलाब सिंह ऑल्सो स्टैम्प्ड आउट द सेडिशन इन राजौरी, भिम्बर, रियासी, अखनूर, जम्मू रीजन विद अ स्ट्रॉन्ग हैंड. सो मियां डीडो जो है ही वॉज वेरी पॉपुलर कैरेक्टर. ओके, सो रणजीत सिंह जो है खुश होके, गुलाब सिंह की सर्विसेज से खुश होके जो है गुलाब सिंह का राज तिलक करता है 1822 में एट जियापोथा. जियापोथा में गुलाब सिंह का जो है वो क्या होता है? राज तिलक होता है. रणजीत सिंह अकॉर्डेड द रिकग्निशन ऑफ टू द स्पेशल सर्विसेज rendered by Gulab Singh in the hills of Rajouri and Jammu and of course in suppressing Yusufzai tribes. Okay, and he conferring the Raj Tilak or sovereignty of Jammu by creating him Raja of that principalities, admitting his hereditary right to it. Okay, and it is said jo hai, it is after the death of his father Kishore Singh. किशोर सिंह की जो है डेथ हुई 1822 में. सो और उसकी जो है आपके, जिसको आप बोल सकते हो क्रिमेशन पे जो है, रणजीत सिंह केम टू जम्मू एंड आफ्टर द फ्यू डेज ही वाज गिवन द टाइटल ऑफ राजा.
ओके सो राय तिलक ओकेजन अरोज आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर किशोर सिंह 22 गुलाब सिंह वॉज मेड द राजा ऑफ जम्मू एंड सुचेत सिंह वॉज गिवन द जागीर ऑफ बंदराल इट वॉज एट अखनूर जिया पोता एंड नेटिंग सेरेमनी वॉज परफॉर्म बाय महाराजा रणजीत सिंह वॉज देयर ओके लेटर ऑन छिब्बल और पुंछ जागीर जो है वो भी ध्यान सिंह को दी गई ओके सो थ्री डोगरा ब्रदर्स वर मेड वेसल्स ऑफ द किंगडम ऑफ लाहौर ऑन द स्टिपुलेशन कंटेन कैटेगरी कैटेगरिकली विच इंक्लूडेड द ऑबिडेंस गुडविल लॉयल सर्विस जनरेशन आफ्टर जनरेशन उन्होंने बोला भाई हमारी बात माननी पड़ेगी ओके सो राज तिलक ऑफ जो है वो 22 में हुआ ओके सो द राय तिलक वॉज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस इट ऑल्सो सर्व्ड एज अ न्यूक्लियस फॉर फर्दर एक्सपेंशन एंड कंक्वेस्ट दिस फर्दर अवेकन गुलाब सिंह द ड्रीम ऑफ एस्टैब्लिशिंग एन इंडिपेंडेंट डोगरा प्रिंसिपैलिटीज इन द रिमोट फ्यूचर सो गुलाब सिंह के अंदर जो है आप एक अपना एम्पायर खड़ा करने का जो जिसको आप बोल सकते हो एक कीड़ा जो है वो जाग गया ओके एंड ही बिकम वेरी वेरी एम्बिशियस गुलाब सिंह जो है ही वॉज वेरी श्रूड ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट ही वॉज वेरी डिप्लोमेटिक ऑल दो जो है गुलाब सिंह जो है वो अनपढ़ था ओके सो द क्वेश्चन अराइज वाई रणजीत सिंह मेड हिम द राजा ऑफ जम्मू एंड जम्मू जागीर और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ सबसे पहला क्या था अनफ्लिंचिंग सपोर्ट एंड लॉयल्टी ऑफ दीज डोगरा चीफ्स एश्योर्ड रणजीत सिंह इन केस ऑफ नीड दे एक्सटेंडेड द किंगडम इवन बियॉन्ड हिमालयाज एंड इम्पोज एन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑन ट्रेडिशनली डिफाइंड पीपल जो जिन लोगों ने कभी जो है बात नहीं मानी तो वहां पे उन चीजों लोगों को भी गुलाब सिंह ने जो है अंडर कंट्रोल लिया सम हिस्टोरियन कंसिडर इट एज अ पोलिटिकल कंपल्शन रादर देन हिज इम्पीरियल विम एज ही वॉज फेसिंग प्रॉब्लम फ्रॉम अदर हिल चीफ लाइक जोत सिंह रामगरिया दैट इज रानी सदा कौर राजा संसार चंद तो ये सारे लोग जो हैं इनको सप्रेस किया गया गुलाब सिंह के ओके सो इट वॉज अ मैसेज फॉर द अदर रूलर्स इट वॉज प्रोबेबली टू काउंटर द क्राइसिस विद इन द लाहौर दरबार दैट इज रणजीत सिंह पेट्रोनाइज दीज इमिनेट फैमिलीज हुज लॉयल्टी ब्रेवरी एंड यूजफुलनेस वॉज बियॉन्ड द इमेजिनेशन ओके रणजीत सिंह डिसीजन वॉज वाइज वन एमिंग एट अपीजमेंट ऑफ द वॉरलाइक डोगरा सो डोगरा जो है जो बड़े ही लड़ाकू किस्म के योद्धा थे वॉरियर थे उनको खुश करने के लिए कुछ हिस्टोरियंस बोलते हैं इट वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके नाउ वट इज द गुलाब सिंह एक्सपेंशन तो दिस इज द एक्सपेंशन जो है वो गुलाब सिंह की 22 से लेके 46 तक है ओके सो इसमें जो है दो तीन एरियाज आते हैं दैट इज हिली एरियाज आते हैं ओके सो यहाँ पे गुलाब सिंह की एक्सपेंशन में जो है इंपॉर्टेंट रोल किसने प्ले किया जोरावर सिंह ने जोरावर सिंह वॉज अ सिख कमांडर बट इट वॉज पुट अंडर यू कैन से दैट गुलाब सिंह ओके सो इन 1834 जोरावर सिंह लेड अटैक ऑन सिख अटैक ऑफ यू कैन से दैट सिख फोर्सेस बट द आर्किटेक्ट ऑफ दिस एक्सपेडिशन वॉज राजा गुलाब सिंह Who placed a force of 5,000 डोगरास under the Sikh general? So, okay, यहाँ पे कहाँ पे अटैक किया गया? लद्दाख में किया गया. Okay, so the Ladakhi king that is Sipal Namgyal agreed to become the vassal of Gulab Singh, and one Munshi Diya Ram was kept at Leh as a representative of Jammu. But later on problem हुई. Okay, so लद्दाख को कैप्चर किया गया. बाल्टिस्तान नेक्स्ट कम इसकी इन्वेजन कहाँ की थी बाल्टिस्तान की बाल्टिस्तान वॉज कम्पोज ऑफ इनॉर्मस माउंटेन चेन्स एंड मासेस ऑफ माउंटेन्स द इंडस वैली एंड वैली ऑफ श्योक जॉइंस ए शिगार टूगेदर फॉर्म द यूनाइटेड वैली ऑफ स्कार्दू द बाल्टी चीफ हैड प्रोफेस्ड एलिजेंस टू द मुगल एंड दुरानी गवर्नर ऑफ कश्मीर फाइनली डोगरा आर्मी अंडर द कमांड ऑफ जोरावर सिंह डिफीटेड द बाल्टी चीफ इन द बैटल ऑफ थामोखोन भगवान सिंह वॉज अपॉइंटेड एज अ डोगरा थानेदार राजा अली खान एग्री टू पे द एनुअल ट्रिब्यूट टू गुलाब सिंह सो अली खान जो है ही वॉज इन चार्ज ऑफ स्कार्दू ओके देन द डोगरा तिब्बतन वॉर वॉज फॉट इन 1841 42 बिटवीन डोगरा फोर्सेस एंड द कमांड ऑफ जोरावर सिंह एंड तिब्बत अंडर द सुजरेनिटी ऑफ किंग चाइना वहां के अंडर था जोरावर सिंह कैंपेन सफरिंग फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ बैड वेदर सफर्ड अ डिफीट एंड ही वॉज किल्ड ओके सो दैट ऑफ गुलाब सिंह की कहाँ पे हुई वेन ही ट्राई टू कैप्चर यू कैन से दैट तिब्बत एंड सब्सिक्वेंट गुलाब सिंह सेंट री इन्फोर्समेंट अंडर द कमांड ऑफ हिज ओन नेफ्यू दैट इज जवाहर सिंह अ सब्सिक्वेंट बैटल नियर ले वॉज फॉट इन 42 विच लेड टू द तिब्बतन डिफीट द ट्रीटी ऑफ चोसल वॉज साइन इन 1842 सो इट वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट बैटल दैट इज तिब्बतन
तिब्बतन बैटल, दैट इज बाल्टिस्तान, यू कैन से दैट इज स्कार्दू, बाल्टिस्तान स्कार्दू, और उसके बाद जो है वो लद्दाख जो है, सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट। यहाँ पे डोगरास को जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, कहाँ पे, तिब्बत में। ओके, सो लेटर ऑन जो है इनकी बहुत ज्यादा डिफीट हुई। ओके, सो व्हाट वाज द नाउ द नेक्स्ट पॉइंट जो है गुलाब सिंह एंड कश्मीर। कश्मीर जो है गुलाब सिंह अंडर द सिख आर्मी जो है 1819 में जो है गुलाब सिंह और सिख फोर्सेस ने जो है कश्मीर को कैप्चर किया था। ओके, सो गुलाब सिंह वाज ऑन अ लुक आउट फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज हिज इन्फ्लुएंस इन कश्मीर। सो ड्यूरिंग द कहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली, ड्यूरिंग द रिवोल्ट एट यू कैन से इन 1841, ये हमने डिस्कस किया था, सिख रूल इन कश्मीर। ओके, कर्नल मियां सिंह वॉज किल्ड, द लाहौर दरबार डिस्पैच ट्रूप्स टू द वैली अंडर द नॉमिनल कमांड ऑफ प्रताप सिंह, बट गुलाब सिंह वॉज द रियल लीडर हु सप्रेस द रिवोल्ट। गुलाब सिंह एस्टैब्लिश पीस इन द वैली एंड अपॉइंटेड हिज ओन क्लोज गुलाम मुहियुद्दीन एज अ सिख गवर्नर, इसने अपना आदमी वहां पे अपॉइंट किया। गुलाब सिंह एम्पायर बिल्डिंग एम्बिशन वॉज क्विकेंड एवरी डे, अपार्ट फ्रॉम द चार्म ऑफ ब्यूटिफुल वैली ऑफ इट्स ओन अकाउंट, ही डिजायर्ड द पोजेशन ऑफ कश्मीर फॉर्मिंग एज इट वॉज अ कंटिन्यूस यू कैन से दैट कॉन्टीजेंस टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड लद्दाख, तो चाहता था उसके साथ जो है जो जम्मू के साथ जो है प्रॉक्सिमिटी थी उसको कैप्चर करना चाहता था। द डिफीट ऑफ सिक्स एज द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर 45, इट प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनेट यू कैन से दैट इट प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी टू गुलाब सिंह टू एनेक्ट ही सिक्योर्ड अ रीजनेबल ट्रीटी फॉर हिज सॉवरिन महाराजा दिलीप सिंह एंड लेटर ऑन द ट्रीटी ऑफ अमृतसर वाज साइन। तो ये जो है ये हमने डिस्कस किया हुआ ऑलरेडी पहले। ओके, इसको हम थोड़ा सा फर्दर करेंगे। द ट्रांजेक्शन ऑफ ट्रीटी ऑफ अमृतसर वाज कंसीडर्ड एज अ मास्टर स्ट्रोक बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको मास्टर स्ट्रोक समझते थे। ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो है वो कब हुई थी, 1846 में हुई थी 16 मार्च। द ऑक्यूपेशन ऑफ कश्मीर बाय गुलाब सिंह वॉज नॉट ईजी, सो उसके लिए मुश्किल था। After the death of Ghulam Mohiuddin, his son Sheikh Imamuddin, he became the governor of Kashmir, but who refused to hand over the power. So, Treaty of Amritsar के बाद जब गुलाब सिंह ने जो है कश्मीर खरीदा है after the paying of 75 lakh rupees, but Sheikh Imamuddin जो है उसने refuse कर दिया power को hand over करने में, and गुलाब सिंह ने कुछ देर तक जो है वो negotiation की, but it was finally with the support of English he was able to occupy Kashmir. Gulab Singh, otherwise known for his shrewdness, had so much confidence in the fidelity of Imamuddin that he dispatched a very small army or weak army under his wazir Lakhpat Rai to take the position of the capital Srinagar. Imamuddin revolted against Gulab Singh and refused to hand over power. He got ample support from Lahore Darbar. So Lahore Darbar ka ek aadmi tha jiska naam tha Lal Singh. Okay, so he was the Sikh army se related tha aur Sikh ka wazir tha. तो लाल सिंह उसको जो है फुल सपोर्ट दे रहा था कि डू नॉट सरेंडर इन फ्रंट ऑफ गुलाब सिंह एंड डू नॉट लेट गो द पोजीशन ऑफ द कश्मीर। ओके, फाइनली विद द सपोर्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट दैट इज हेनरी लॉरेंस एंड लेफ्टिनेंट हॉबर्ट एडवर्ड्स, गुलाब सिंह वाज एबल टू एस्टैब्लिश हिज रूल बाय द एंड ऑफ नवंबर 1846। सो ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो है वो 16 मार्च को ही, बट फाइनली जो है 1846 में ही वाज एबल टू कंट्रोल द कश्मीर। सो इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में करेंगे। पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ पंजाब क्या थी आफ्टर द डेथ ऑफ रणजीत सिंह, सिचुएशन खराब हो गई थी, खड़ग सिंह जो है वो रूलर बन गया था, इसका रिजल्ट ये निकला। 1845-46 में बैटल हुई, सिख जो है वो हार गए, दो ट्रीटीज हुई, ट्रीटी ऑफ लाहौर और ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई, और कुछ हिस्टोरियंस बोलते हैं ये जो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर थी इसमें गुलाब सिंह ने जो है कोई भी रोल नहीं प्ले किया, इनफैक्ट गुलाब सिंह ने धोखा दिया जिसकी वजह से जो है सिख हारे, एंड इट वाज अ डेलिब्रेट अटेम्प्ट, और बाद में गुलाब सिंह ने जो है वो अपना फायदा लिया, ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई, जैसे अभी हमने ये चीज डिस्कस की, ये चीज डिस्कस की, ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई, तो जिसकी वजह से जो है गुलाब सिंह जो है वो रूलर बन गया। ओके, सो ये हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, पहले भी डिस्कस किया हुआ है। ओके, सो आफ्टर द डेथ ऑफ रणजीत सिंह देयर वाज सीरीज ऑफ वीक रूलर, खड़ग सिंह, शेर सिंह, नोनिहाल सिंह एंड दिलीप सिंह आया। अंडर द रणजीत सिंह देयर वाज राइज ऑफ डिफरेंट प्रॉब्लम हो गई, दैट इज अलग अलग ग्रुप का राइज हुआ था, सिंधन वालिया, आहूवालिया, सरदार, डोगरा सरदार, जिसकी वजह से पंजाब स्टेट की हालत खराब हो गई थी। ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ दिलीप सिंह द एक्चुअल कमांड वॉज इन द हैंड ऑफ महारानी जिंद कौर, ये जो गुलाब, ये जो रणजीत सिंह की विडो थी, जिंद कौर गेव अनड्यू सपोर्ट टू जवाहर सिंह, लाल सिंह, शी नेवर सपोर्टेड डोगरास, हेंस देयर वर
यू कैन सी दैट प्रॉब्लम्स एंड डोगरास वर साइडलाइन. ओके, सो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर होती है, पॉलिटिकल क्राइसिस थे, और जिसकी वजह से कैसी होती है, क्योंकि इसके कहीं ना कहीं रूट्स 1809 में भी हैं, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. कुछ हिस्टोरियंस ये बोलते हैं कि गुलाब सिंह, तेज सिंह और जी लाल सिंह ने जो है वो नेगेटिव रोल प्ले किया, जिसकी वजह से बहुत सारी छोटी छोटी बैटल्स हुई, जिसकी वजह से सिख हार गए. द इमीडिएट कॉज ऑफ वॉज द क्रॉस, ये क्यों हुई थी, दैट इज रिवर सतलुज क्रॉस की गई थी. एंड फाइनली जो है वो बैटल हुई थी 45-46 में. मैं शॉर्टकट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये हमने किया हुआ है पहले. ओके, सो व्हाट वॉज द रोल ऑफ गुलाब सिंह इन द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर? एंग्लो सिख वॉर में गुलाब सिंह का क्या रोल था? कोई रोल नहीं था. ही वॉज, यू कैन से ही वॉज अ ट्रेटर. ओके, अकॉर्डिंग टू सिख सोर्सेस ही वॉज अ ट्रेटर. सो गुलाब सिंह बेसिकली क्या था, ही वॉज फ्यूडेटरी ऑफ लाहौर दरबार एंड ही वॉज अ कमांडिंग ऑफिसर ऑफ टू डिवीजन ऑफ खालसा आर्मी, बट ही कॉशियसली रिमेन अलूफ दो आर्मी की कमांड. और क्या किया, ही ट्रेचरसली ट्रांसमिटेड मिलिट्री इंटेलिजेंस टू ब्रिगेडियर व्हीलर एट लुधियाना जस्ट बिफोर द सिख वॉर कमांड, जस्ट बिफोर द सिख वॉर कमेंस. वॉर शुरू होने से ही पहले सारी इंफॉर्मेशन गुलाब सिंह ने जो है उनको ट्रांसफर कर दी थी. एंड इवन द लॉर्ड हेडिंग इन हिज प्राइवेट डायरी ही कॉल्ड हिम अ जोग्राफिकल एलाय एंड ग्रेट रास्कल इन एशिया. तो गुलाब सिंह को क्या बोला गया, ग्रेट रास्कल इन एशिया. आफ्टर द बैटल ऑफ मुदकी एंड फिरोजपुर, इवन द रानी जो है जिंद को जो है उसने भी बोला गुलाब सिंह को भाई आर्मी भेजी जाए, लेकिन गुलाब सिंह ने जो है कॉम्प्लाई नहीं किया, उल्टा उल्टे रिस्पॉन्स दिए. एट दैट टाइम ही रिमेन इन द डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द ब्रिटिश अथॉरिटीज, एश्योरिंग देम ऑफ हिज लॉयल्टी एंड सप्लाइंग इंफॉर्मेशन को हम क्या करेंगे, बाद में कंसिडर करेंगे. इन द रिवॉर्ड ऑफ हिज ट्रेचरी हेनरी लॉरेंस गेव हिम रिटन एश्योरेंस ऑन द बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट दैट हिज इंटरेस्ट वुड बी सेफ गार्डेड एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट विद द पंजाब गवर्नमेंट आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ वॉर. सो गुलाब सिंह ही वॉज वेरी श्रूड. ओके, सो ये आपका आ गया वॉर का, एक बार फिर से आ गया वॉर कैसे हुई, ये इंपॉर्टेंट बैटल्स हुई फिरोजपुर. सो उसके बाद जैसे ही वॉर खत्म हुई तो ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन की गई. ओके, ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन की गई जिसमें जो है सतलुज से जितने भी साउथ के क्लेम वो पंजाब स्टेट से निकल गए. 1.5 करोड़ वॉर इंडेमनिटी उन पे इम्पोज की गई. सिख लॉस्ट ऑल द हिली टेरिटरीज इंक्लूडिंग जालंधर दुआब. अ ब्रिटिश रेजिडेंट वॉज अपॉइंटेड. द पंजाब स्टेट सेड के वी आर अनेबल टू पे द एंटायर अमाउंट ऑफ मनी. तो जिसका रिजल्ट ये निकला कि भाई ये जो सरदारों ने जो है सिख आर्मी ने क्या किया, सम कैश वॉज पेड एंड प्लस सम एरिया वॉज गिवन. ओके, एंड दिस एरिया वॉज फर्दर गिवन टू गुलाब सिंह. गुलाब सिंह के साथ एक ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई जिसकी वजह से गुलाब सिंह बिकम द महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन 1846 16 मार्च को. ओके, सो व्हाई सिक्स वर डिफीटेड, दैट इज इनडिसिप्लिन अमंग द खालसा आर्मी, ट्रेचरी ऑफ लाल सिंह, तेज सिंह एंड गुलाब सिंह. गुलाब सिंह ज्वाइन द लेटर स्टेजेस. ऑफ कोर्स इंग्लिश वर बेटर इक्विप्ड विद आर्म्स एंड एमिनिशन. लाल सिंह ने तेज सिंह फ्लैट बिफोर द फाइनल बैटल. सो जिसकी वजह से सिख जो है वो हार गए. ओके, एंड फाइनली जो है वो ट्रीटी ऑफ अमृतसर होती है 16 मार्च 1846 में. गुलाब सिंह जो ऑलरेडी राजा बना हुआ था, एंड दिस ट्रीटी वॉज साइन बिटवीन गुलाब सिंह दैट इज जम्मू राजा एंड फ्रेडरिक क्यूरी बोनेट एंड मेजर लॉरेंस. और इनको किसने भेजा था, हेडिंग ने भेजा था. एंड आफ्टर दिस ट्रीटी महाराजा ही बिकम द महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू कश्मीर का महाराजा जो है वो गुलाब सिंह जो है वो बनता है. ओके, सो दिस इज वेरी वेरी हिस्टोरिकल ट्रीटी. ओके, सो अभी तक हमने डिस्कस क्या किया, अभी तक हमने डिस्कस किया दैट वाज द पंजाब. पंजाब स्टेट ने जम्मू को ऑक्यूपाई किया 1808 में. जीत सिंह वॉज द रूलर. पंजाब सिक्स के स्टार्ट हुकम सिंह चिमनी ने किया. ड्यूरिंग दिस बैटल, आफ्टर दिस बैटल, सम डोगरास, कुछ डोगरास ने क्या किया, सिख फोर्सेस को ज्वाइन किया, जिसमें आपके गुलाब सिंह था, उसका फादर किशोर सिंह था, उसका भाई ध्यान सिंह था और उसका भाई सुचेत सिंह था. एंड मियाँ डीटो ने रिफ्यूज कर दिया. गुलाब सिंह का यहाँ से जो है वो राइस होता है. गुलाब सिंह और उसकी जो फैमिली जो थी उन्होंने जो है रियासी कैप्चर करके दिया, पुंछ कैप्चर करके दिया, राजौरी कैप्चर करके दिया, किश्तवाड़ कैप्चर करके दिया. मियाँ डीडो जो है ही वॉज किल्ड. ओके, एंड इन सर्विसेज से खुश होके व्हाट रणजीत सिंह हैज डन, उसने महाराजा गुलाब सिंह को जो है
राजा बना दिया 1822 में, और उसकी कॉरोनेशन होती है जिया पोता में। ओके, एंड फर्दर जो है गुलाब सिंह ने और बियॉन्ड द हिमालय जो है अपनी पावर को लेके गया, दैट इज लद्दाख को कैप्चर किया गया, लेट इस बाल्टिस्तान को कैप्चर किया गया, स्कार्दू को कैप्चर किया गया, और तिब्बत की बैटल में ही लॉस्ट जोरावर सिंह। एंड आफ्टर द डेथ ऑफ रणजीत सिंह इन 1839, गुलाब सिंह प्लेड हिज कार्ड वेरी वेल, सो देर वॉज सीरीज ऑफ वीक रूलर, खड़े सिंह रूलर बनता है शेर सिंह नोनिहाल एंड दिलीप सिंह, और जो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर होती है 45 और 46 में, गुलाब सिंह जो है लेटर स्टेजेस में पार्टिसिपेट करता है, एंड फाइनली ही सपोर्टेड ब्रिटिश राज, और ट्रीटी ऑफ अमृतसर में ही बिकम द महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ओके, सो अब हम डिस्कस करेंगे दैट इज गुलाब सिंह एंड हिज रिफॉर्म्स, उसके हम रिफॉर्म्स की बात करेंगे, गुलाब सिंह और उसके रिफॉर्म्स की। तो सबसे पहले जो है वो है आपका 1846 से 1856, सो सप्रेशन ऑफ क्राइम, ही सप्रेस डिसऑर्डरली एलिमेंट्स एंड रिस्टोर पीस एंड ऑर्डर, ही लॉन्च्ड एन एक्सटेंसिव एक्सपीडिशन अगेन गालवान्स, द नोटोरियस गैंग्स ऑफ मर्डरर्स एंड रॉबर्स इन कश्मीर, ही ऑल्सो ड्रो आउट बॉम्बास एंड खोखर्स फ्रॉम द वैली एंड स्टेशन गैरिसन इन द फोर्ट्स गार्डिंग द पासिस। ओके, सो दैट इज द रैशनलाइजेशन ऑफ जागीर सिस्टम, जब गुलाब सिंह टुक ओवर द कश्मीर, सो देर वर मोर देन 3,000 जागीर्स एंड मैनी ऑफ दीज जागीर्स वर अनरजिस्टर्ड, इसने विद द हेल्प ऑफ राजा काक डार महाराजा गुलाब सिंह वट ही डिड ही सप्रेस जागीरदारी क्राइसिस जागीरदारी जागीरदार ओके डिस्पोजेस्ड लैंडलॉर्ड्स ग्रेटली रिसेंटेड गुलाब सिंह एंड हिज एडवाइजर एक्शन, बट गुलाब सिंह पेड नो हीड टू देयर प्रोटेस्ट, सो ही आल्सो रैशनलाइज जागीर सिस्टम को भी रैशनलाइज किया, दैट इज क्राइम को भी जो है वो सप्रेस किया। ओके, देन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में व्हाट ही डिड, ही डिवाइडेड हिज किंगडम इनटू 4 विजारत और डिस्ट्रिक्ट्स, ही अपॉइंटेड एफिशिएंट एंड ट्रस्टेड ऑफिसर्स इन चार्ज ऑफ की डिपार्टमेंट्स लाइक ऑडिट अकाउंट्स एंड शॉल डिपार्टमेंट, देन देयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अबॉलिशन ऑफ बेगार सिस्टम और फोर्स्ड लेबर, महाराजा गुलाब सिंह अंडरटुक रिफॉर्म्स मोस्ट अनजस्ट टू रिफॉर्म मोस्ट अनजस्ट एंड अबनॉक्शियस बेगार सिस्टम और फोर्स लेबर, दिस सिस्टम जो है ये बहुत पुराना था, द कस्टम ऑफ बेगार हैड बीन प्रेवलेंट इन कश्मीर सिंस द टाइम ऑफ हिंदू रूलर्स, जिस क्यों था ये, बिकॉज कम्युनिकेशन गैप था, गुलाब सिंह अटेम्प्टेड टू रैशनलाइज द बेगार सिस्टम एंड ट्राई टू मिटिगेट द सफरिंग्स एंड हार्डशिप इट इंटेल्स, एंड फाइनली द सिस्टम वॉज कम्प्लीटली अबॉलिश इन 1920 में सारा अबॉलिश हुआ। ओके, सो पब्लिक वेलफेयर मेजर्स क्या थे, दैट इज राशनिंग ऑफ राइस ऑफ सिटी ड्वेलर्स, बींग कट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इंडिया, हाई माउंटेन्स, कश्मीर वॉज क्वाइट ऑफन फेस्ड एक्यूट फूड शॉर्टेजेस। ओके, द ट्रबल्स फर्दर एग्रीवेटेड अनस्क्रपलस ट्रेड्स हु इलीगली होर्डेड लार्ज स्केल ऑफ ग्रेन्स, गुलाब सिंह एस्टैब्लिश मोनोपोली ऑफ राइस एंड मेड अरेंजमेंट फॉर इट्स सप्लाई टू द पीपल ऑफ द सिटी। ओके, देन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ शॉल डिपार्टमेंट, शॉल डिपार्टमेंट को रीऑर्गेनाइज किया, शॉल इंडस्ट्री को मॉडर्नाइज किया, सो जो कारखानादार्स थे और एम्प्लॉयज के बीच में जो प्रॉब्लम चल रही थी उसको रिजॉल्व किया, कारखानादार जो है एक्सप्लॉइट करते थे वीवर्स को, और सिचुएशन वर्स्ट हो गई थी सिख रूल में, गुलाब सिंह ने जो है मिनिमम वेजेस फिक्स की और सेवरल टैक्सेस को भी अबॉलिश करा। ओके, सो व्हाट वाज द एस्टिमेट, लोग जो हैं गुलाब सिंह के बारे में क्या सोचते हैं, खास करके हिस्टोरियंस, सो ही वाज ओनली रूलर ऑफ इंडिया हु हैव एक्सटेंडेड ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज बियॉन्ड द हिमालयस। ओके, उस लिहाज से देखा जाए समुंदर गुप्त, इवन अशोक, इवन अकबर, तो बियॉन्ड हिमालय जो है बड़े कम लोग थे जिन्होंने आज की डेट में इंडिया की बाउंड्री लेके गए, उसमें गुलाब सिंह वॉज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। ओके, देर वॉज नो डाउट दैट ही वॉज अ मोस्ट श्रीउड एम्बिशियस एंड अपॉर्चुनिस्ट पर्सन, हैविंग रिजन फ्रॉम द मेयर ट्रूपर इन द आर्मी ऑफ रणजीत सिंह, ही रोज द कॉन्स्पिशियस हाइट्स। ओके, सो बहुत ज्यादा राइज किया किसने, गुलाब सिंह ने। के एम पानीकर कहता है वेयर हिज इंटरेस्ट रिक्वायर्ड ही डिड नॉट हेजिटेट टू रिसोर्ट टू ट्रिक्स एंड स्ट्रेटाजेम्स विच वुड इन ऑर्डनरी लाइफ वुड बी कंसिडर्ड डिसऑनरेबल। तो पानीकर कहता है अपने फायदे के लिए गुलाब सिंह कुछ भी कर सकता है। ओके, फ्रेडरिक ड्यू जो है विद द कस्टमरी ऑफरिंग ऑफ रुपीज एज नजर एनी वन कुड गेट गुलाब सिंह हेयर, सो अकॉर्डिंग टू के एम पानीकर, अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक ड्यू ही वॉज वेरी वेरी ग्रीडी पर्सन,
सोग्पियन के बमजई ये कहता है, देर इज अ साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड टू हिज ग्रीड ऑफ गुलाब सिंह. ही बिलीव दैट ही हैड परचेज कश्मीर इन द कॉन्सिडरेशन ऑफ 50-75 लाख रुपीज. ही हैड अमेज हिज कैपिटल एज वेल एज हिज प्रॉफिट एज सून एज पॉसिबल. तो कैम्प बमजई कहता है कि भाई उसने लगाने ही है टैक्स क्योंकि उसने पैसा दिया हुआ है. सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज क्लास. आज हमने डिस्कस किया गुलाब सिंह. गुलाब सिंह जो है 1822 में ही बिकम राजा, 1846 में ही बिकम महाराजा, 1856 में जो है गुलाब सिंह की डेथ तो नहीं होती है, अपनी ही लाइफ टाइम में ही जो है वो अपने बेटे रणबीर सिंह को जो है वो रूलर बनाता है. गुलाब सिंह का राइज जो है वो लाहौर दरबार से स्टार्ट हुआ. लाहौर दरबार में रह के उसने रियासी, बिंबर, पुंछ, किश्तवाड़, मियां डीडो को सप्रेस किया. इसमें ही रह के उसने जो है स्कार्दू, बाल्टिस्तान, ड्यूबियस रोल इन इन 45-46 की बैटल में अंग्रेजों, जो आप बोल सकते हो कि भाई अंग्रेजों का साथ दिया. और सिख एम्पायर को जो है गुलाब सिंह ने पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं किया, तो जिसकी वजह से सिख्स वर डिफीटेड, बट हिज लॉयल्टी वॉज रिवॉर्डेड इन द ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1846 में. 75 लाख रुपीज दिया एंड ही बिकम द महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. सो महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बनता है ये. एंड उसकी कुछ रिफॉर्म्स हैं. रिफॉर्म्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है बेगार सिस्टम. बेगार सिस्टम को अबॉलिश करने की कोशिश की, हो नहीं पाया. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास. यू आर वॉचिंग हिस्ट्री फॉक्स चैनल. दिस इज मी कश्यप शर्मा. थैंक यू सो मच. प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एटलीस्ट विद 100 पीपल. सो थैंक यू सो मच. जय हिंद एंड टेक केयर. बाय.